चक्र विभू का जाल, मौका पाकर रख दिया चक्र विभू का जाल। अर्जुन ना मौजूद थे अर्जुन के लाल। आज अभिमन्यु अपने पिता की गैर मौजूदगी में चक्रव्यूह का मौका देखा और जाल रख दिया। अर्जुन को छोड़कर के सभी धनुर्धर उस चक्रव्यूह में अर्जुन की जगह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपनी माँ से आज्ञा लेते हैं, कौरवों से लोहे लेने के लिए जाते हैं और देखिए क्या होता है। जैसे ही चक्रव्यूह में अभिमन्यु पहुंचते हैं तीसरे द्वार में कर्ण से मुकाबला होता है और कहा आज तुमने धोखे से चक्रव्यूह का जाल रख दिया, लेकिन आज मैं तुम सभी को मार करके जाऊंगा। अभिमन्यु क्या कहते हैं, कर्ण समझाते हैं अभिमन्यु को कि हे बालक, तेरे भी खेलने कूदने के दिन है, तूने भी बच्चों में खेल खेला है, जंग क्या होती है तू नहीं जानता। क्या कहते हैं कर्ण कि हवाओं को बदलना चाहते हैं, हवाओं को बदलना चाहते हैं, हदों से भी गुजरना चाहते हैं और किनारों की भी अब होने लगी ये हिम्मत कि समुंदर को निगलना। दरिया में मिल गया तो मगरूर हो गया, अपनी औकात का पता नहीं, कमबख्त अपने आप में मशहूर हो गया। क्योंकि जंग लड़ने में सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में रवानी चाहिए। जंग लड़ने में सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में रवानी चाहिए। एक कन्हैया मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। आज देखिए अभिमन्यु से कर्ण कहते हैं, बालक की पूछी पूछी सासे तेरी, बिगड़ी हुई सी हालत है, हमको आंखें दिखाए ये किसकी ही माकत है। आज कह रहे अभिमन्यु कर्ण से, ए हाथ तोड़ के, ए हाथ तोड़ के भगते हो रल से, हाथ तोड़ के भगते हो रल से, समर की क्या बात करोगे, हाथ तोड़ के भगते हो रल से, समर की क्या बात करोगे, हाथ तोड़ के भगते हो रल से।
हमसे लड़ने की, हमसे लड़ने की, हमसे लड़ने की कोशिश करना। नहीं तो फिर मत खाओगे अलग छोड़ के, अलग छोड़ के कमाली की क्या बात करोगे, अलग छोड़ के अलग छोड़ के कमाली की क्या बात करोगे। क्या कहते हैं आज तेरी बचने की मुश्किल डगरिया है, क्या कह रहे हैं अभिमन्यु, तेरे बचने की मुश्किल डगरिया, ओ तेरे बचने की मुश्किल डगरिया, ओ तेरे घर से के पहुंचे खबरिया, तेरे बचने की मुश्किल डगरिया, तेरे घर को ये पहुंचे खबरिया, तेरे बचने की मुश्किल डगरिया, तेरे घर से पहुंचे खबरिया। तुम सभी ने कौरवों ने धोखे से चक्रव्यूह का जाल रख दिया मेरे पिता की गैर मौजूदगी में, तुमने धोखे से रख डाला भूजाल है, भूजाल है, भूजाल है मेरे सामने कि पत्ते पत्ते चलना तू डाल डाल रे, आशीर्वाद करवा देनी है गोलू भैया ठेकेदार आपको हरी धन्यवाद। अरे पत्ते पत्ते चलना तू डाल डाल, पत्ते पत्ते चलना तू डाल डाल रे, और खींच लूंगा तेरी में खाल खाल रे, पत्ते पत्ते चलना तू डाल डाल रे, खींच लूंगा तेरी में खाल खाल रे। तेरे बचने की मुश्किल डगरिया, तेरे बचने की मुश्किल डगरिया, तेरे बचने की मुश्किल डगरिया, तेरे घर तक ये पहुंचे खबरिया, तेरे घर तक ये पहुंचे खबरिया, तेरे घर तक ये पहुंचे खबरिया। तूने धोखे से रख डाला भूजाल है, भूजाल है, भूजाल है। आशीर्वाद परमा देनी अर्चना मोगरे जी आपकी ओर से प्रदान होते हैं, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। क्या कहना है, ए हम जंग के मैदानों में सभी, क्योंकि अभिमन्यु कह रहे हैं ए हम जंग के मैदानों में सभी को से हम जंग के मैदानों में सभी तुझे मन को सजायो के दे, तुझे मन को सजायो के दे, तुझे मन को सजायो के दे। क्योंकि हम तीर कमानों से ही नहीं, हम तीर कमानों से ही नहीं नजरों से गिराया करते, हम तीर कमानों से ही नहीं नजरों से गिराया करते, हम तीर कमानों से ही नहीं नजरों से गिराया करते। इक्यावन पर परमादानी गजराज भैया चोलकर कतिया ख्याज अध्यक्ष आपकी ओर से इक्यावन रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। हम है ना हम कम है, ना हम कम है, ना हम कम है। आज तुम मुझे बालक कह रहे हो, अभिमन्यु कह रहे हैं कर्ण से, और आज तेरी हस्ती मिटानी, आज तेरी हस्ती मिटानी, देखूं कितना, देखूं कितना
वाले हैं, सभी का ध्यान चाहूंगा। 251 का आशीर्वाद कमला भाई भट्टे वाले आपको प्रदान होते हैं, हार्दिक धन्यवाद और भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करे। तू कौन सुर माह में आके निकाल लो, हड्डी का बना सुरमा, हड्डी का बना सुरमा, आंखों में आंज लो, 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 परमादनी बड़े भैया ब्रजेश शर्मा जी 40 विलात मंडी दी पाले आपको 100 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद की कामना, भगवान आपके सारे मन पूर्ण करें। आइए भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाएं आप सभी सुनेंगे। हेलो हेलो परमादनी मोहन सिंह जी राजपूत और परमादनी सी मोहन सिंह जी राजपूत और श्री भगवान सिंह जी राजपूत जी, इनकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता, हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद की कामना, भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करे। हेलो भैया, और 200 रुपए का आशीर्वाद परमादनी कांग्रेस कमेटी के, हेलो और खोलो आवाज कांग्रेस कमेटी के कपिल भैया, एक मिनट, हाँ आवाज खोलो, हमारे बीच में परम सम्मानी श्री गोकुल सूर्यवंशी जी बीजेपी कमेटी अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है, कार्यकर्ता बंधु से निवेदन का स्वागत करें, एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाएं, सभी नगर के गणमान्य बंधुओं के द्वारा इस कार्यक्रम की शोभा और मंच का सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर सभी नगर के अतिथियों का हार्दिक हार्दिक वंदन स्वागत अभिनंदन। चले आइए 200 रुपए का आशीर्वाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री संतोष राय जी, आपको 200 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता, हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद की कामना, एक सुंदर सा राष्ट्रीय गीत कपिल भाई, एक राष्ट्रीय गीत गुजरिया गुजरिया की फरमाई, और पहले राष्ट्रीय गीत की फरमाई से तो आइए राष्ट्रीय गीत आप सभी सुनेंगे। बोली भारत माता की, न फूलों का न कलियों का, अजय क्या बात है प्यारे, न फूलों का न कलियों का, न भोरों का चमन देना, ए मेरे मीत मेरे गीत मुझको ये वचन देना, अगर दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, एक साथी मित्र अपने साथी मित्र से कह रहा है, अगर दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो सिर्फ इतनी है, कहीं मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, कहीं मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। आइए आज सरहद पर खड़े नौजवान भारतीय सैनिक मर मिटने के लिए तैयार है, और देखिए क्या होता है। हेलो हेलो, आज हर एक भारतीय सैनिक की यही आवाज है, ए मेरे सपनों का ये भारत, मेरे सपनों का ये भारत, विदेशों में ये है महान,
मैं तो इसकी ही सेवा करूंगा, मुझे आता है इस पे ही प्यार। और आतंकवादियों से कहना है, अरे तू तो इसके चक्कर में आना ही नहीं, तू तो इसके चक्कर में आना ही नहीं, तू तो इसके चक्कर में आना ही नहीं। है क्या तुझको भी ये तो पता, क्योंकि अब तोपे चलने वाली नहीं है। क्यों होगा तुझको भी ये तो पता, ए हटा तोपे तू हटा, हटा तोपे तू हटा, तोपे तू हटा, तोपे तू हटा, तोपे तू हटा। हो कश्मीर हमारा, अभी अभी हमने सुना है न्यूज के माध्यम से कि कश्मीर में हमारे चार जवान शहीद हुए आतंकवादी हमले के द्वारा। इसीलिए कहना है ओ कश्मीर हमारा स्वर्ग है, ये जाने है जग संसार। कश्मीर हमारा स्वर्ग है, ये जाने है जग संसार। कश्मीर हमारा स्वर्ग है, इसे कोई छीन नहीं सकता, ये भारत का राज दुलार। कोई छीन नहीं सकता, ये भारत का राज दुलार। कोई छीन नहीं सकता, ये भारत का राज दुलार। अरे तू तो इसके चक्कर में आना ही नहीं, बाकी तू तो इसके चक्कर में आना ही नहीं, तू तो इसके चक्कर में आना ही नहीं। तुझको भी ये तो पता, आइए कि कृष्ण धनुष बन गए तो बाण थी राधा, कृष्ण मुरली बजाते थे तो तान थी राधा। रात भर से ज्यादातर आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत भजन मेरे इस मंडल के द्वारा सुने हैं, क्योंकि भैया माफी चाहूंगा, ये श्री कृष्ण आदर्श मंडल है और ज्यादातर भगवान कन्हैया के भजन ज्यादा गाते हैं। तो आइए आप नटखटी लीलाएं और सुनेंगे, वैसे तो रात्रि में भी सुन चुके हैं, लेकिन आइए आगे और सुनेंगे। कि वृंदावन शोभन नहीं नंदगा से पट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। वृंदावन की गेल में ग्वालन हेला दे, काना काना के रही तेरी गैया ले जागे। तो देखिए, हमें चिंता नहीं जिनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी सासों का रक्षक वो चक्र सुदर्शन धारी है। क्या कहना है, आज ब्रज की गोपिकाएं बाजार में दही लेकर के जा रही है। और देखिए बिल्कुल ब्रज भाषा से उत्प्रोत शब्दों के द्वारा आप गुजरिया सुनेंगे। हेलो हेलो ठीक है, हेलो हेलो दादानी की माता की आचा पेटे हुए। हेलो हेलो, ये थोड़ा साउंड बढ़ा। ए दादानी की माता की आचा पेटे हुए, बरसानी गुजरिया की धर जा रही है। जरा सा खिला दो तो चेना जाए, 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 जरा सा खिला
जरा सा खिला दो तो चेना दा, जरा सा खिला दो तो चेना परमादनी श्री गोकुल सूर्यवंशी जी बीजेपी कमेटी के अध्यक्ष आपको से 100 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद की कामना। परमादनी श्री राजू ड्राइवर जी आपको से पुनः 100 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद की कामना। एक बार ढोलक मास्टर हमारे राजू भैया के लिए फिर से सभी तालियां बजाएं, क्योंकि जो ढोलक पर आप कलाकार देख रहे हैं ये कहीं और से नहीं आपके अपने क्षेत्र का ही उभरता हुआ कलाकार और जिसने कई जिलों में अपना नाम रोशन किया है ऐसे हमारे राजू भैया मेथिल जिनकी शानदार ढोलक की प्रस्तुति आप इस मंडीदीप नगर में सुन रहे हो। ये सजदत के आई सभी बालिनी